अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफाक और आप देख रहे हैं लकड़िस्तान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको कुछ गंदे पानी से सब्जियों की काश्त के बारे में बताऊंगा। सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर खौफनाक नतीजे सामने आने लगे, जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। तफसीलात के मुताबिक नाकस हिकमत अमली और शहरों के बेहंगम फैलाव के बाद जरी ज़मीनें सुखड़ने लगी और शहरों का फजल नहर और दरियाओं डाले जाने लगा, जिसके खौफनाक नतीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसी ही रिपोर्ट पंजाब के शहर चिनोट से सामने आई, जहां सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त करने के बाद इन्हें सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है और गंदम पानी से ला इल्म शहर भी इन्हें फौरी खरीद लेते हैं। चिनोट के मकामी सब्जी फरोश का मौकफ था कि बैरून शहर से लाई जाने वाली सब्जियां महंगी हुई हैं, जबकि ये सब्जी नस्बियात सस्ती होती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सीवरेज के पानी में अर्सिनिक जैसे सख्त जान वाला देहाती अनासरों आफर मकदार में शामिल होता है। सब्जियों के पकाने के बावजूद ये अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता और ये खवातीन में बांझपन का मर्ज तेजी से फैल रहा है। कुछ अरसे कबल फूड अथॉरिटी की जानिब से गंदे पानी से पैदा होने वाली फसल को तहवील में लेकर तलख कर दिया जाता है, मगर इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शहरियों के मुताबिक सीवरेज के इस गंदे पानी से काश्त होने वाली फसलों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली अख्तियार करना होगी और इन्होंने धंधे में मलूस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।